अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहे अनुसार कोरोना वायरस से लड़ रहे मेडिकल स्टाफ एवं अन्य कर्मचारियों के सम्मान में लोगों ने तालियां और थालियां बजाई। लोग बड़ी संख्या में अपने घरों की छतों और गलियों में निकलकर बजा रहे थे थालियां। जिवें प्रधानमंत्री ने कहा सी भी कोरोना वायरस वास्ते जिहड़े अपने डॉक्टर ने नर्सां ने जिहड़े मरीजां नूं हेल्प कर रहे ने हेल्प आपां उहनां दी हौसला बजाई वास्ते इह कीता जी भी वो आपकी जान की परवाह ना करते हुए ये लगे ने अच्छ जनता कर्फ्यू ना इस तरह कामयाब किया गया तो जोड़ा उन्होंने अगे किया भी 31 मार्च तक बढ़ा दिता गया है तो वह भी बहुत वधिया शलाघाजोग कदम है। कहना चाहिए भी लोगों भी सारे जने आपका चंकी तरह ये रल के चलन जिमें उन्होंने कहा है। हाँ बिल्कुल जी लोगों आपके घर रहना चाहिए जी इस कट्ठे ना हो लोग ता ही आपां इहदों बचा जा सकदा महामारी होर ज़्यादा बहुत वड्डी बन सकती है। अजे आपां ठीक है भी सैकंड स्टेज ते हाँ पर अजे अगे वध गया तो आपां नूं बहुत ही ज़्यादा महामारी हो सकती है। असीं ये थालियां कोरोना वायरस के लिए जिहड़ियां साडियां नर्सिस डॉक्टर्स हॉस्पिटल काम कर रहे हैं अपनी जान की परवाह ना करते हुए देर लई पजाईआं उन्हां दा काम दा सब तो ज़्यादा औखा है वो अपनी जान ते खेल के मरीजां नूं बचा रहे हैं। आज का जो भी कदम उठाया गया है सब जनता की तरफ से और जो मोदी ने जो अपील की हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो भी अपील की उस अपील का बहुत असर हुआ है और लोगों ने बहुत कोशिश की है कि इसको बहुत ज़्यादा ऊँचे से ऊँचा मैं तो कोई एक दिन का कर्फ्यू क्यों जनता के लिए 4 दिन का कर्फ्यू होना चाहिए। अगर ये अपनी सबकी भलाई है तो ये बहुत अच्छी बात है। हम सबको कदम से कदम मिला के चलना चाहिए जितना हो सके अपने घरों को भी साफ रखो आसपास भी सफाई रखो अगर सैनिटाइज़र कोई ज़रूरी नहीं है कि अपने सारे घर में भी छिड़काव करो हर चीज़ पे अपनी अपने खुद के खर्चे पे सब साफ सफाई रखेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा है और देश के लिए अच्छा है जनता के लिए अच्छा। अगर एक घर अच्छा होगा तो मोहल्ला अच्छा होगा मोहल्ला अच्छा होगा तो पूरा जो जो भी है जैसे एक देश है एक शहर है शहर से देश है ऐसे ही क्लीन होगा ऐसे वायरस सारा बाहर जाएंगे। सबसे बड़ी बात ये है अगर अपने अगर आपस में नहीं मिलते हैं जितनी भी निर्देश है जो भी अपने हैं वो अगर अपने पालन करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है और सरकार के साथ चाहे कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है चाहे कोई भी प्राइवेट है जो भी कोई भी नुकसान हो रहा है उसको नुकसान मत समझो ये अपनी भलाई की बात है। ये सबसे अच्छी बात है कि अपने सब लोग साथ में हैं इस इतने भयानक कोरोना वायरस के जो वायरस है लक्षण है इन सबका फॉलोअप करो और सबको ये जो हिदायतें दी जा रही है उसका पालन करा जाए यही हम सबकी तरह और ये जो थाली बजाने का जो भी ये कंपन है जो भी है इसके पीछे कोई साइंटिफिक तो कारण है ही है जिस कारण से अपने बहुत कुछ अपने को भी सीखना चाहिए इस चीज़ों से भी ऐसे नहीं कि आज वायरस है तो अपनी सफाई से लड़ रहे हैं ये नहीं है और सफाई करनी अपने लिए लंबे टाइम के लिए भी ये नहीं कि कल अपने वायरस खत्म हो गया तो अपने कभी सफाई नहीं करें। सब अपने घरों में भी सफाई रखो मोहल्ले में भी सफाई रखो पूरे देश में सफाई होगी जितनी क्लीननेस होगी उतने ही वायरस कम आएंगे उतनी बीमारियां कम आएगी। तो हमारी तो जनता से यही अपील है हर देश के हर जितने भी निर्देश आ रहे हैं उनका पालन अच्छी तरह से सब लोग यही हमारा तो है और बहुत धन्यवाद है जैसे आप हो मीडिया वाले हैं चाहे हॉस्पिटल में है चाहे कोई भी ट्रांसफॉर्मेट में कोई भी काम कर रहा है कोई भी देश सेवा कर रहा है चाहे हो सबसे बड़ी बात हॉस्पिटल में है जो अब हम तो अपने को कह ले रहे कि जिनका सर रहा है वो अंदर बैठ जाओ पर बैठ नहीं बैठ रहे और बेचारे वो देश की सेवा कर रहे हैं वो सबसे बड़ी बात है प्राउड मूवमेंट है और सारा देश इतना ज़्यादा जनहित के लिए इतना अच्छा कर रहा है बहुत अच्छा फील हो रहा है और आज सबसे बड़ा प्राउड का दिन ये है कि इंडिया इतना ज़्यादा मतलब देश से और सहानुभूति से जो कर रहा है कि भी सब इतने साथ हैं ये बात सबसे बड़ी है आज फील हो रहा है कि अपने इंडियन है और आज आप फॉरन में देखो क्या हाल आज बहुत खुशी है इस बात की कि सारी चाहे मोहल्ला है चाहे गली है आसपास के पड़ोसी है सब एक साथ है और सब इसका पालन कर रहे हैं यही सबसे बड़ी बात है। कारण यही है कि जो नर्सिस डॉक्टर्स दिन रात बिना आपकी जान की परवाह किए साडे लई कोरोना वायरस के लिए लड़ रहे हैं असं उन्होंने साथ देने लिए उन्होंने अगे करन लई कि उत्साहित कि हाँ तुम बहुत वधिया काम कर रहे हो इस करके असं थालियां वजाईआं होर भी आपां नूं सबनों पता है कि भगवान भी आपां कहने कि भगवान उन्होंने रूप च ही साडे अगे आके खड़ा होया अज क्योंकि जे वह ना होन तां पता नहीं होर किन्ने लखां करोड़ां होर मोटा हो जाण उन्हां करके ही अज असीं जिहड़ा सुख का सांह लै रहे हैं। बिल्कुल यह एक बहुत वड्डी महामारी बन सकती है हजे अपना जो
है देश अजे स्टेज टू दे विच है यह हो सकता है कि जे आपां आपदे आप ते लोकां ने आपदे आप ते जिवें अज जनता जिहड़ा होया है करफ्यू वह बहुत वड्डी प्रधानमंत्री ने कोशिश की है मेरे लिए मैनू यह लगता है कि अज लई नहीं हजे भी कॉन्टीन्यू रहना चाहिए ता कि लोगों आपदे आप ते संयम रखन आपदे घरे रह के सब कुछ करन बाहर ना निकलन जिदे नाल साडा देश थर्ड स्टेज ते ना पहुंचे करोना वायरस की बहुत वधिया डिसीजन लिता है पंजाब सरकार ने यह मैनू तो ए लगता कि इदू भी पहला होना चाहिए जिहड़ा है इन्ना हो गया इन्ना भी नहीं इस स्टेज ते भी ना आप पहुंच पाते जे यह डिसीजन पहला पंजाब गवर्नमेंट लैंदी तां इस दा कारण सी कि जो साडे लई साडे डॉक्टर दिन रात साडी सेवा कर रहे ने अपनी जान दी परवाह कीते बिना असी उन्हां दी अपलॉज कर रहे हां उन्हां दी प्रशंसा करन लई असी इह ताड़ियां बचाईयां लई वी असी उन्हां दे नाल इस टाइम विच बिल्कुल जी बहुत वधिया और जो एक्सटेंड कर दिता गया है यह होर भी ज़्यादा वधिया इस तो कि जे आने वाले टाइम विच अज असी बचा रखांगे तो आने वाले टाइम विच असी सुरक्षित रहांगे इसलिए बहुत वधिया कदम है सरकार दा और असी नाल है सरकार दे इस काम दे विच जी बिल्कुल जिहड़ा करता फिर साडी सुरक्षा लई कीता गया अगर ये सरकार नहीं करती लोगों ने फिर बाहर निकलना सी फिर ये महामारी होर भयानक रूप लै लैंदी इस तो बचने लई जो सरकार ने कदम चुकया बहुत वधिया हाँ जी एक पॉइंट तो लगता है क्योंकि वो ज़्यादा डिवेलप्ड कंट्रीज़ ने उन्होंने जल्दी वह अपनी कर लेना पर इंडिया मतलब अजे इन्ना डिवेलप नहीं होया कि मतलब अपनी पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है उसके अकॉर्डिंग अपने मतलब मेडिकल फैसिलिटीज़ घट ने इसलिए अगर आप बचत रख लीए तो बहुत अच्छा है अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें।